पेज ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ कप्स, बॉटम में आ रहा है फोर ऑफ वॉन्ड्स, कि अभी तक अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी चल रही थी, आप काफी चीजों को लेके परेशान थे, मे बी आप कुछ लोग यहाँ पे मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड और कुछ लोग यहाँ मुझे अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड काफी परेशान नजर आ रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप इस वीक में परेशान हैं। मे बी इससे पहले वाला जो वीक था उसमें आपने कुछ नेगेटिव चीजों को डील किया है, इस वजह से आप उस परेशानी को डील करके लेकिन आप अब आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तीन कार्ड आए हैं, तीनों के तीनों कार्ड काफी पॉजिटिव हैं, तो मैं बोलूंगी इस वीक में तो कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ये डेविल वाली जो एनर्जी थी ना ये जा चुकी है। अगर किसी की लाइफ में एग्जिस्ट भी करती है ना तो वो इस वीक में निकल जाएगा, कुछ भी अगर नेगेटिव सिचुएशन होगी तो आपकी लाइफ से वो चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद पेज ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। काफी सारी पॉजिटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप अगर किसी अपॉर्चुनिटी का, मैं जिस चीज को आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में बताना चाह रही थी, यहाँ पे देखिए आप एक वॉन्स को पकड़े हुए हैं, मे बी आप एक पर्सन के कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, एक ही पर्सन के कप ऑफर करने का वेट कर रहे हैं कि वो आपको कप ऑफर करेगा। पर्सनल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, तो इस वीक में वो आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं या तो कमिटमेंट दे सकते हैं। कुछ लोगों का यहाँ रियूनियन होते हुए दिख रहा है मुझे, ठीक है, ये लव लाइफ से रिलेटेड मैंने बता दिया, बट यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ मैं बताना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि ये लव से रिलेटेड ही आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन हो जिसका आप वेट कर रहे हैं काफी टाइम से। कुछ लोग मुझे किसी अपॉर्चुनिटी का प्रोफेशनल लाइफ में वेट करते हुए दिख रहे हैं, तो इस वीक में वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। अगर आपने 1% भी एक्सपेक्ट किया था ना कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ होगी, तो यहाँ देखिए यहाँ एक वॉन्ड से यहाँ फोर वॉन्ड्स है, एक से जस्ट फोर में कन्वर्ट हो गया। मतलब अगर आप छोटे से प्रॉफिट का आप इंतजार कर रहे थे ना कि कब इतना सा प्रॉफिट होगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, या आपके जॉब से रिलेटेड आप सोच रहे थे कि कब थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, जो भी आप सोच रहे थे कुछ मिलेगा आपको, तो आप देखिए यहाँ से एक वॉन्स से डायरेक्ट फोर वॉन्स पे पहुंच गए। मतलब अनएक्सपेक्टेड वे में वो कन्वर्ट होगा इन अ पॉजिटिव वे, तो काफी अच्छी एनर्जी निकल के आई है आपको प्रोफेशनल एज वेल एज आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। बस ये जो फाइव ऑफ कप्स आया है इसको लेके आपको ज्यादा हेडेक नहीं लेना है। इसमें मे बी कुछ लोग अपने पार्टनर से मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फेस कर ली है, तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया है कि आपको खुद पे ध्यान देना है, या आपकी अगर आपकी फीलिंग्स या आपके कप का कोई वैल्यू नहीं करता है तो आपको उस कप को किसी ऐसे पर्सन को ऑफर करना है जो उसकी वैल्यू करे, जो आपकी वैल्यू करे। अब मैं देखना चाहूंगी कि आपके पार्टनर फिलहाल किस मोड में चल रहे हैं। आपकी एनर्जीज तो काफी अच्छी हैं। ये जो कार्ड निकल के आया है ना सेवन ऑफ सॉर्ड्स का, तो आपके पार्टनर मुझे लग रहा है कुछ नेगेटिव लोगों से डील कर रहे हैं, या तो सोच रहे हैं कि उनसे आगे बढ़ना है, आपके साइड कोई एक्शन लेके जाना है। यहाँ आया है सेवन ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नेगेटिव लोगों को पीछे छोड़ के आपके साइड कोई एक्शन लेने का सोच रहे हैं, और ये एक्शन फोर ऑफ वॉन्ड्स से रिलेटेड है, मैरिज कमिटमेंट रियूनियन से रिलेटेड है। ओके, और कार्ड्स निकालते हैं, वर्ल्ड, टावर, सन, ग्रेट। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की सिचुएशन डिफाइन कर दूं। मैं पहले आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूं कि वो कुछ नेगेटिव लोगों से डील कर रहे हैं, उनसे पीछा छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। जो नेगेटिव लोग हैं ना इनकी लाइफ में, उन्होंने इनकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करके रखी है। मे बी ये जो जिन लोगों को अपना साथी, अपना रिलेटिव या अपना जो भी समझ रहे थे ना, उन्हीं लोगों ने इनको बहुत बड़ा झटका दिया है एक्चुअली। तब इनको समझ में आया कि ये अपने नहीं है, अपने तो आप थे कि जो आप कप लेके बैठे हुए थे ऑफर करने के लिए, बट आपके पर्सन है कि आ ही नहीं रहे थे आपके साइड कोई ऑफर लेके, है ना। बट इन्हें रियलाइजेशन हो गया है इस चीज का, ये एक साइकिल थी जो कंप्लीट हुई है आप दोनों के बीच में। यहाँ देख रहे हो टावर विथ वर्ल्ड कार्ड, तो ये जो नेगेटिव साइकिल है इसका एंड होके एक पॉजिटिव शिफ्ट आप इस वीक में देख सकते हैं। ये जो पर्सन है ना आप कप लेके बैठे हुए हैं, तो ये ऑफर लेके आ रहे हैं आपके साइड, या डिसाइड कर लिया है, इन्हें अपना माइंड मेकिंग कर लिया है कि ऑफर देना है तो आपको ही देना है, हैप्पीनेस लेके जानी है तो आपके पास ही जानी है, वो भी बहुत पैशनेट तरीके से। सारी खुशियां, सारी हैप्पीनेस, सारे कमिटमेंट बोलना चाहिए, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना अपनी लाइफ में, उससे ज्यादा ही आपको इस वीक में मिल सकता है।
तो आपको बस क्या करना है, आपको पॉजिटिव अपनी लाइफ में तो आगे बढ़ते रहना है, बाकी सारी खुशियां सन कार्ड जो है ना वो जब आना होगा आपकी लाइफ में तभी आएगा, ये जब साइकिल कंप्लीट हो जाएगी ना तभी आएगा। और कुछ लोग मुझे लग रहा है उनके पार्टनर ट्रैवलिंग कर रहे हैं इस वीक में, मे बी उनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड वो ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं, या आपके साइड वो ट्रैवल करके आ सकते हैं, कुछ कमिटमेंट लेके आ सकते हैं, अभी तक उन्होंने जिस बारे में नहीं सोचा था, आपके बारे में नहीं सोचा था, तो वो इस वीक में सोच सकते हैं। पेज ऑफ कप्स के साथ मैं बोल ही रही हूँ, आपके साइड या तो कॉल आ सकता है या छोटा मोटा कोई मैसेज आ सकता है उनके साइड से, है ना, बट और देखना चाहूंगी कि किस टाइप का एक्शन वो आपके साइड ले सकते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स, काफी ज्यादा कंफ्यूज थे अभी तक वो अपनी लाइफ में है, देखिए मैं कह ही रही हूँ कंफ्यूज थे, स्ट्रक हो गए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ये दोनों सिचुएशन किसने क्रिएट की थी, स्टार मूवमेंट ने क्रिएट की थी, जो नेगेटिव लोग थे ना इनकी लाइफ में, उन्होंने ये सिचुएशन ऐसी अराइज कर दी कि ये अपनी लाइफ के डिसीजन ना ले पाए, आपके साइड कोई एक्शन ना ले पाए, हैंग्ड मैन की सिचुएशन में चले जाए। बट देखिए हैंग्ड मैन के पीछे, हमेशा मैं बताती हूँ, हैंग्ड मैन एक कभी नेगेटिव कार्ड नहीं होता, एक पॉजिटिव कार्ड ही है, क्योंकि इसके पीछे सन है, यहाँ भी सन है और यहाँ भी सन है, पॉजिटिविटी हैप्पीनेस आपके साइड ही आएगी, चाहे अपनी लाइफ में कितना भी स्टक क्यों ना हो जाए, कितनी भी सिचुएशन में स्टक क्यों ना हो जाए, इस सिचुएशन से बाहर निकल के आपके साइड एक्शन लेंगे। छोटा मोटा कार्ड नहीं आया, सीधा टेन ऑफ पेंटिकल्स आया है, सारी खुशियां सारी हैप्पीनेस सारा कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। अभी तक जो सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही थी ये टावर टाइप की, इससे ये बाहर निकल के एक पॉजिटिव शिफ्ट देखेंगे, जिसकी वजह से वो आपके साइड एक्शन लेके आ सकते हैं। और इससे पहले वाले वीक की मैं बात करूं तो कुछ लोगों के पास कमिटमेंट तो नहीं, कमिटमेंट की बात नहीं कर रही, बट कम्युनिकेशन की बात जरूर मैं बोलूंगी। इससे पहले वाले वीक में मे बी आपके पास कम्युनिकेशन आया होगा, इनकेस नहीं आया है तो आप इस वीक में कम्युनिकेशन देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन विद टेन ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो आप कोई तो भी एक पॉजिटिव एक्शन उनके साइड से आप देख सकते हैं। आपको तो बस अपनी एनर्जी में रहना है, खुद पे ध्यान देना है, सेल्फ लव करना है, ज्यादा किसी की बातों में नहीं आना है। आप चाहें तो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपने घर पे ध्यान दे सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स पे ध्यान दे सकते हैं, जिस चीज की आपके घर में कमी है, जैसे आपको लगता है कि ये चीज आपके घर में होना चाहिए तो आप उसका अरेंज करिए, उसको अरेंज करिए, है ना, मीन्स अपना माइंड डाइवर्ट करके रखिए कि अपने घर पे ध्यान दीजिए, सारी खुशियां आपके पास आएंगी। तब में आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून, सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं, किंग एंड एम्प्रेस दोनों के कार्ड आ चुके हैं, तो आप अपने माइंड में बहुत ज्यादा क्लैरिटी लेके आ जाएंगे इस वीक में। और मुझे लग रहा है आप अपने आप पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो मेल हैं उनके लिए मैं बोलूंगी कि वो किंग की पोजीशन में होंगे, अपने आप में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि उनको लगेगा कि बस मैं ही हूं और कोई नहीं है। और जो फीमेल्स हैं वो तो अपने आप को एक एम्प्रेस की तरह ही फील करेंगी, और जैसे ही आप लोग इस पोजीशन में आएंगे ना, ऑटोमेटिकली सन आपके साइड, खुशियां आपके साइड।